ओम शांति। आप सबका स्वागत है और हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 3 सितंबर के ईश्वरवदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अब अणु से प्यार करने की जगह आत्मा की चेतना के प्यार में डूब जाएं। ये क्या डिफरेंस है, ये क्या फ़र्क है अणु और आत्मा? सारी दुनिया, साइंस ज़्यादातर अणु के पीछे पड़ी हुई है और हम परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमें अणु को छोड़ करके आत्मा के पीछे जाना है। कहने का अर्थ क्या है, अंग्रेजी में कहा जाता है कि आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं, ना कि बॉडी मेट को, ना कि अणु मेट को। सोलमेट मतलब आत्मा। आप चाहते हैं कि आप आत्मिक प्रेम से एक दूसरे को पहचाने, तो उसके लिए कुछ लेयर्स निकालनी पड़ेंगी। लेयर्स क्या हैं, शक्ल सूरत कैसी है, कौन सी भाषा है, कौन सी जात, कौन से धर्म, कौन से रूप, कौन से रंग, कौन सा खान पान, और कौन से देश, और कौन से कल्चर, और कौन से रहन सहन की आदतें। ये सारी चीज़ें हम बाहरी रूप से देखते हैं, और जिसको हम देखने से अंदर बैठी हुई उस प्योर आत्मा को प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि हम किसी को भी, इंसान को भी पहचानते हैं तो उसको बाहरी रूप से पहचानते हैं। और जब इंसान बाहरी रूप से चेंज हो जाता है तो हम घबराते हैं कि जिसको मैं जानता था या जानती थी वो तो चेंज हो गया। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम एक गहरा कनेक्शन बनाएं आत्मा के साथ में। तो पहचाने जरा परमात्मा कहते क्या है, कौन से प्यार की बात कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर, है ना, ये भावनाएं, जैसा धर्म या जैसा विश, भाषा, और या जैसे खान पान है इंसान का, उसके हिसाब से हम उसके साथ में बर्ताव करते हैं या उसके साथ रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं। परमात्मा कहते हैं, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भवा। देह भान में रहने से, देह भान, ये सारी जो बातें करें ना, धर्म, प्रांत और ये सारी चीज़ें, इनको एक ही वर्ड में डाल दिया गया है, देह अभिमान। और लड़का लड़की, ये भी देह अभिमान आ गया। जब आप सोल कॉन्शियस हो जाते हैं या आत्माभिमानी हो जाते हैं, तो आपको ना लड़का ना लड़की, आप केवल उस आत्मा की चेतना से बात करते हैं, महसूसताओं से, भावनाओं से, ना कि देह अभिमान की भावनाओं से। कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा, देवी मन में आएंगे तो, अरे ये लोग होते ही ऐसे, अरे ये देश के लोग ऐसे ही होते हैं, ये धर्म के लोग ऐसे होते हैं, या ये कल्चर के लोग ऐसे होते हैं, या ये स्टेट के लोग ऐसे होते हैं, होता है ना, करते हैं ना हम डिफ्रेंसिएशन। वो डिफ्रेंसिएशन करते करते हमारे मन के अंदर दुविधा प्रोड्यूस हो जाती है। होना चाहिए एक संकल्प जिससे कि पीस मिले, लेकिन मल्टीपल संकल्प करने से आपको पीस कभी नहीं मिलेगा। तो सोल कॉन्शियस वो सारे संकल्प को हटा देती है और बॉडी कॉन्शियसनेस सारे संकल्प को जगा देती है। तो आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, एटीट्यूड में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। न्यारा मतलब क्या हो गया, डिटैचमेंट का मतलब ये हो गया कि आप लोगों से डिटैच हो गए, नहीं आप लोगों को प्यार दे पा रहे हैं, लेकिन उनसे आपको कोई इच्छा नहीं है, इस कारण से आप डिटैच्ड हैं। डिटैच्ड क्या, आउटकम से, कि मैंने प्यार किया, मैंने अच्छे से बात करी, वो भी मेरे से प्यार से बात करे, अच्छे से बात करे, मुझे रिस्पेक्ट करे, मैंने गुड मॉर्निंग बोला, वो मेरे को गुड मॉर्निंग बोले, मैंने उसको हेल्प करी, वो भी मुझे उतनी हेल्प करे, नो। न्यारा मतलब डिटैच्ड, प्यारा मतलब सबको प्यार देने वाला, सबको सहयोग देने वाला। उसके लिए ताकत चाहिए ना अंदर, कि आप सबको सहयोग कर पाए। एक ही मतलब हो गया तो आपने सही कर दिया, मतलब खत्म हुआ तो फिर सोचेंगे। परमात्मा कहते हैं, इसलिए तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः बन जाएंगे। अगर आपकी वाइब्रेशंस किसी के प्रति जारी नहीं है नेगेटिव की, तो इस प्रांत का, इस धर्म का, ये लोग होते ही ऐसे हैं, आप उसके सामने जाकर के मिलोगे, बाहर से प्यार से मिलोगे, लेकिन पहले ही सोच करके ये लोग होते ही ऐसे हैं, बाहर से स्माइल किया आपने, लेकिन उस आत्मा को पहले ही आपकी फीलिंग्स पहुंच चुकी हैं, उसको आपकी फीलिंग्स महसूस हो रही हैं कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। आप स्माइल तो कर रहे हो, लेकिन आप प्योरली नहीं कर रहे हो, दिल से नहीं कर रहे हो, आपका कुछ मतलब है। और हर एक को पता चल जाता है ये चीज़, क्योंकि हर कोई अंदर बैठा हुआ कौन है, शरीर के अंदर, हर एक के शरीर के अंदर आत्मा है, आपके शरीर के अंदर आत्मा है, आपको पता चल जाएगा कि मैं दिल से बोल रहा हूँ कि दिमाग से बोल रहा हूँ, है कि नहीं। तो अगर आप दिल से बोलना चाहते हैं तो पहले आत्मिक भाव में आए, देह के भाव से हट जाएं, यही सत्य है। और इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें।
परमात्मा भी आत्मा है, आत्मा है परम आत्मा, सुप्रीम रूह, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम अल्लाह। तो आप भी आत्मा हैं, वो जैसे हैं, जैसे दिखाया जा रहा है उसी रूप में आपको भी रचा गया है, लेकिन आप अपने उस रूप को भूल करके इस रूप को याद करते हैं जिसको बॉडी कॉन्शियस कहते हैं। इसलिए हम बढ़ चुके हैं आज और आपस में झगड़ रहे हैं। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए बहुत जल्द। बस सोल कॉन्शियस ही इसका आंसर है। कैसे समझें आकर के ब्रह्मा कुमारी इसमें। इसके साथ ओम शांति है।